नमस्कार, मैं चने दाल की पूड़ी सूरन की सब्जी बना रही हूँ। एक कप चने को दाल को अच्छे से धोकर इसको कुकर में डालकर उबाल देंगे। उबालते समय उसमें हल्दी पाउडर, और एक कप दाल में दो कप पानी डलेगा, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा हींग, दो पिंच नमक भी डाल देंगे इसमें, और कुकर को बंद करके दो तीन सीटी आने देंगे। दो कप गेहूं का आटा ले लिए हैं और आटे को अच्छे से चाल देंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच घी डालकर मिलाकर आटा को ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडा पानी जो नॉर्मल पानी पीते हैं बस वही, जैसे रोटी का आटा सानते हैं उसी तरह डो बना लेंगे। दाल गल गया है बिल्कुल, अच्छे से मसल कर दिखा रहे हैं, ऐसे ही चाहिए। इसको छन्नी में छान देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसका हटा देंगे। अब इसे मिक्सी में पतला पीस लेंगे, बारीक बिल्कुल, ताकि पूरी फटे ना। डो में भुना जीरा आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च, नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक भी चेक कर डाल लेंगे। थोड़ी हल्दी आधा चम्मच, हल्दी दाल में भी था, इसमें अच्छे से मिलाकर इसका डो बना देंगे। आटे का लोई काट लिए हैं पूड़ी के बराबर, जिस तरह पूड़ी बनाते हैं उसी तरह थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ताकि कचौड़ी अच्छे से भर जाए दाल अच्छे से। जितना लोई रहता है उससे थोड़ा कम दाल को भरते हैं। देखिए लोई में भर दिए हैं, अब इसको चारों तरफ से फैल जाए इस तरह दबा दबा कर बेल देंगे। पैन में तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए। पूड़ी को ज़्यादा बारीक न बेलें, तेल मीडियम गरम है, इसमें बेला हुआ दाल पूड़ी हम इसमें डाल देंगे और पलट कर अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ। पूड़ी बिल्कुल फूल जाएगा और ये फटता भी नहीं है। इसको पलट कर सेक देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। पूड़ी को निकाल कर प्लेट में रख देंगे। देखिए बनकर तैयार है। इसे हम तोड़ कर दिखा रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ दाल फैला हुआ है और बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। मसाला डालकर सब्जी के संग बहुत टेस्टी बनता है। ये सूरन है, इसको हम छील कर आलू की तरह काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में सूरन को काट लेंगे। इसको ज़्यादा छोटा न करें, बस इतना ही छोटा छोटा ये कटता है।
इसके लिए एक प्याज टमाटर, दो हरी मिर्च, अदरक लहसुन ले लिए हैं। प्याज टमाटर अदरक लहसुन को जार में हम पीस देंगे अच्छे से। देखिए पीसकर तैयार है ये। अब तेल में सूरन को डालकर फ्राई कर देंगे। ज़्यादा लाल नहीं करते हैं। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। जीरा है, इसको अच्छे से चटकने देंगे। अजवाइन है, दोनों अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें एक कटा हुआ प्याज को बारीक काट कर फ्राई कर देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसको गुलाबी कलर करके देखिए गुलाबी कलर हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे उसको डालकर अच्छे से मिला देंगे। अब ये भून चला है। चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च आधा चम्मच स्वाद के अनुसार, काली मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार मसाले में मिलाकर भून देंगे अच्छे से। थोड़ी हींग, दो पिंच, इसे स्वाद अच्छा हो जाता है। और इस सब्जी में मेथी दाना भी डाल सकते हैं। जिस समय तेल डालकर चटका रहे हैं उसमें मेथी दाना डाल सकते हैं। और इसे घुमाकर अच्छे से मसाले को भून लेंगे। बहुत स्वादिष्ट बनता है ये सब्जी, चने की दाल की पूड़ी के संग सूरन की सब्जी। बहुत ही अच्छा स्वाद वाला सब्जी है, नाश्ता है ये। खाने में भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ नाश्ता ही नहीं है, खाना भी है। ढककर दो मिनट पका देंगे। अब ढक्कन खोलकर इसको देखिए ये बिल्कुल भून गया है। थोड़ा हरा धनिया छिड़क देंगे। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ सूरन है उसको हम डाल देंगे, अच्छे से पका देंगे इसको थोड़ा पानी डालकर। ये फ्राई करते हुए ही थोड़ा पक गया था, अब मसाले में डालकर भूनकर पका लेंगे। देखिए मसाला भून गया, ये बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा, बस थोड़ा ही पड़ेगा, ज़्यादा पानी इसका, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाते। पका हुआ सब्जी है, बस
पानी मिलाकर थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। सिर्फ तेल में पकने से सब्जी में स्वाद उतना नहीं आता है। इसे ढककर पका देंगे 2-3 मिनट के लिए। कसूरी मेथी थोड़ा छिड़क देंगे मसल कर, ताकि सब्जी में अच्छे से स्वाद आ जाए। देखिए सब्जी बनकर तैयार है और हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। अच्छी तरह ये सूरन गल गया है। अब इसे पूड़ी के संग सब्जी सूरन का खाइए। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है।